स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूं दो 110 सीसी स्कूटर की, होंडा एक्टिवा 110 सीसी और टीवीएस जुपिटर 110 सीसी। एक्टिवा की बात करते हैं तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर है, और यहीं पे टीवीएस जुपिटर की बात करते हैं तो ये दूसरे नंबर पर रहती है। तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों स्कूटर की कंपेयर करना बनता है, तो आइए जानते हैं दोस्तों दोनों स्कूटर की फुली कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन से मामले में कौन सा स्कूटर आगे रहने वाली है, जैसे कि आपको फीचर्स किस में ज़्यादा मिलेगा, इंजन किसकी ज़्यादा पावरफुल है, और दोनों स्कूटर की शोरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा, सब कुछ डिटेल से जानेंगे। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोनों स्कूटर की डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों स्कूटर में कई सारा वेरियंट देखने को मिलता है। जैसे कि होंडा एक्टिवा में आपको चार वेरिएंट देखने को मिलता है और चारों वेरिएंट का एक जैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है, और यहीं पे टीवीएस जुपिटर की बात करते हैं तो इसमें आपको वेरिएंट बाय वेरिएंट अलग अलग डिजाइन ही देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप क्लासिक मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको बैकरेस्ट मिल जाएगा, विंडशील्ड देखने को मिल जाता है सामने जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा ZX मॉडल की बात करते हैं तो इसमें आपको एलो व्हील देखने को मिल जाता है, बाकी का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें आपको एलो व्हील नहीं देखने को मिलेगा, सीट मेटल व्हील देखने को मिलता है। इसके अलावा टीवीएस जुपिटर में इनर पैनल अलग अलग कलर में अलग अलग वेरिएंट में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, जबकि होंडा एक्टिवा में इनर पैनल सभी में ब्लैक कलर को देखने को मिलेगा। दोनों स्कूटर के फ्रंट लुक की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों स्कूटर में फ्रंट में LED हेडलैम्प मिल जाएगा, एक्टिवा में टर्न इंडिकेटर हेडलैम्प के बगल में देखने को मिलता है, जबकि जुपिटर में आपको नीचे साइड देखने को मिलता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलता है। एक्टिवा में जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पर कट्स देखने को मिल जाता है, जबकि जुपिटर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बाकी बात दोनों स्कूटर के साइड लुक देख सकते हैं, बैक लुक देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह का डिजाइनिंग देखने को मिलता है। तो कौन सा स्कूटर के डिजाइन आपको अच्छा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। टीवीएस जुपिटर की बात करते हैं तो इसमें इंजन लगाया गया है 109.7 सीसी का एयरकूल 4-स्ट्रोक ETFI प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर निकालती है 7.88 PS की 7500 RPM पर, एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 8.8 Nm का 5500 RPM पर। होंडा एक्टिवा में इंजन लगाया गया है 109.51 सीसी का फैन कूलेट 4-स्ट्रोक ESP टेक्नोलॉजी का प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन इसमें भी देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम पावर निकालती है 7.79 PS की 8000 RPM पर, एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 8.84 Nm का 5500 RPM पर। यहाँ पर देख सकते हैं पावर और टॉर्क में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा आपको पावर ज़्यादा मिलता है जुपिटर में, जबकि थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा मिलता है एक्टिवा में। तो कह सकते हैं दोनों स्कूटर में परफॉर्मेंस एक जैसा ही रहने वाला है। इसके अलावा एक्टिवा में फैन कूलेड इंजन मिलता है, जबकि टीवीएस जुपिटर में एयर कूल इंजन देखने को मिलता है। स्टार्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो दोनों स्कूटर में सेल्फ और किक दोनों मिल जाएगा। आगे बात करते हैं टायर और व्हील साइज की। जुपिटर में फ्रंट और रियर में 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा, जबकि एक्टिवा की बात करते हैं तो फ्रंट में 90-90-12 और रियर में 90-100-10 ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। टायर के मामले में दोनों स्कूटर में सेम है, लेकिन व्हील साइज में आपको जैसा कि देख सकते हैं छोटा बड़ा देखने को मिलता है, यानी कि होंडा एक्टिवा में पीछे वाला व्हील साइज थोड़ा सा छोटा है, 10 इंच का पहिया है, जो कि राइडिंग कंडीशन हो सकता है दोनों में अलग अलग हो। आगे बात करते हैं ब्रेकिंग की। टीवीएस जुपिटर में आपको ZX मॉडल में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा पीछे। यहीं पे होंडा एक्टिवा की बात करते हैं तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, आगे और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप डिस्क ब्रेक के साथ जाना चाहते हैं तो टीवीएस जुपिटर ZX मॉडल ले सकते हैं, इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों स्कूटर में CBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करते हैं तो टीवीएस जुपिटर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगाया गया है और पीछे 3-स्टेप एडजस्टेबल कॉइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक डैम्पर लगाया गया है। और यहीं पे एक्टिवा की बात करते हैं तो इसमें भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों स्कूटर खरीदने जाते हैं तो पहले जाके टेस्ट ड्राइव लीजिए, कौन सा स्कूटर का बेहतर सस्पेंशन लगता है उसे आप खरीद सकते हैं। आगे बात करते हैं दोनों स्कूटर की डायमेंशन की। जुपिटर की व्हील बेस है 1275 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 163 mm, सीट हाइट 765 mm, फ्यूल टैंक 6 लीटर और स्कूटर का वजन 109 kg और 107 kg। एक्टिवा की व्हील बेस है 1260 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 162 mm, सीट हाइट 765 mm, फ्यूल टैंक 5.3 लीटर और स्कूटर का वजन 106 kg।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा बिल बेस ज़्यादा मिलता है TVS जुपिटर में, जो कि स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। बाकी बात देख सकते हैं, डायमेंशन में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। माइलेज की बात करते हैं तो दोनों स्कूटर में आपको 50 से लेकर 55 तक की माइलेज मिल जाएगा। हेडलैम्प की बात करते हैं तो दोनों स्कूटर में LED हेडलैम्प मिलेगा। टेल लैम्प और टर्न इंडिकेटर में आपको नॉर्मली बल्ब देखने को मिलेगा। मीटर कंसोल की बात करते हैं तो होंडा एक्टिवा में आपको फुली एनालॉग मीटर मिलेगा, इसमें आपको डिजिटल देखने को नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इंजन माल फंक्शन की लाइट, फ्यूल इंडिकेटर, क्लॉक घड़ी, जो भी आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहीं पे TVS जुपिटर की बात करते हैं तो ZX मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है। बाकी के सभी वेरिएंट में आपको फुली एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं दोनों स्कूटर के फीचर्स की। होंडा एक्टिवा में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाएगा, जो कि स्कूटर को स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी साइलेंट स्टार्ट होता है, आवाज़ नहीं करता है। और यहीं पे TVS जुपिटर की बात करते हैं तो इसमें भी आपको आई टच देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें भी काफ़ी साइलेंट स्टार्ट होता है, ये भी स्कूटर आवाज़ नहीं करती है। होंडा एक्टिवा में आपको मल्टी फंक्शन यूनिट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फ्यूल भरवाने के लिए या फिर सीट खोलने के लिए चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे TVS जुपिटर की बात करते हैं तो ZX मॉडल में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है और क्लासिक मॉडल में देखने को मिलता है, जो कि आपको फ्यूल भरवाने के लिए या फिर सीट खोलने के लिए चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी का वेरियंट है उसमें आपको सीट खोलने के लिए या फिर फ्यूल भरवाने के लिए चाबी निकालने की ज़रूरत पड़ेगा। होंडा एक्टिवा में इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल जाएगा, इसमें आपको एक्सटर्नल फ्यूल लीड देखने को मिल जाता है, जो कि TVS जुपिटर में भी आपको एक्सटर्नल फ्यूल लीड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा होंडा एक्टिवा में अंडर सीट स्टोरेज मिल जाएगा, जो कि TVS जुपिटर में भी अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। जुपिटर में आपको इंडिगो टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, जो कि ITS टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो कि हीरो की तरफ से आता है, जो कि ट्रैफिक में फ्यूल बचा कर देता है, जो कि होंडा एक्टिवा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जुपिटर में आपको फ्रंट ग्लोव बॉक्स और वहीं पे मोबाइल चार्ज करने का सिस्टम दिया गया है, जबकि होंडा एक्टिवा में ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, ना तो फ्रंट ग्लोव बॉक्स मिलेगा ना तो मोबाइल चार्ज करने का सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा TVS जुपिटर में आपको डबल साइड लॉक दिया गया है, यानी कि हैंडल को दोनों साइड भी लॉक कर सकते हैं। बैग होक्स देखने को मिल जाएगा TVS जुपिटर में। आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, जो कि एक्टिवा में पार्किंग ब्रेक नहीं आता है। यहाँ पर दोस्तों फीचर्स के मामले में TVS जुपिटर काफ़ी आगे हो जाता है, जो कि होंडा एक्टिवा में इतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलता है जितना कि TVS जुपिटर में देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सा स्कूटर का फीचर्स आपको अच्छा लगता है, उसे आप खरीद सकते हैं। फाइनली दोनों स्कूटर के शोरूम प्राइस की बात करते हैं और ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों स्कूटर में कई सारा वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि अगर मैं सभी वेरिएंट का एक एक करके प्राइस बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सभी वेरिएंट का एक बार प्राइस रख देता हूँ और ऑन रोड प्राइस रख देता हूँ, ताकि आप देख सकते हैं कौन सा स्कूटर की कौन सा मॉडल कितने तक की प्राइस पड़ता है और आपके हिसाब से कौन सा स्कूटर के कौन सा मॉडल आपके बजट रेंज में आ रहा है, उससे आप खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं TVS जुपिटर में जो टॉप मॉडल है 76,573 रुपये पड़ जा रहा है, और होंडा एक्टिवा में जो टॉप मॉडल है 72,891 रुपये पड़ रहा है। यहाँ पर प्राइस के मामले में थोड़ा सा TVS जुपिटर थोड़ा सा महंगा है। तो दोस्तों इसमें आपको फीचर्स भी कई सारा देखने को मिल जाता है, जो कि होंडा एक्टिवा में इतने सारा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, इंडिगो टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इसमें आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाता है, ऐसे कई सारे फीचर्स है जो कि होंडा एक्टिवा में इतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सा स्कूटर की डिजाइनिंग आपको अच्छा लगता है, कौन से स्कूटर में आपको फीचर्स अच्छा लगता है, उसे आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और ये कंपैरिजन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।